أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زندہ ہے حسین، زندہ ہے حسین، زندہ رہے حسین، تیرا ہوں تیرا ہوں منائیں گے. فاطمہ کے نال یہ وعدہ نبھائیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خد افلح المومنون. صلوات پڑھے محمد. عزاداران امام، آج کی یہ میری پہلی وزٹ ہے آپ کے پاس، پہلی مجلس ہے. مجھے یقین کریں بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر کہ یہاں کے مومنین اور اتنی خوبصورت مسجد، مسجد یا امام بارگاہ جب اچھا ہوتا ہے نا، خوبصورت ہوتا ہے نا، آباد ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ قوم بیدار ہے، سوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری جو آئیڈینٹیٹی ہے نا، ہماری جو پہچان ہے وجے واڑہ میں، وہ مسجد اور حسینیہ سے، ورنہ ہم کو کون جانتا. آپ کی پہچان کیا ہے آپ؟ کیا آپ فلاں مسجد سے ہیں، فلاں امام بارگاہ سے آپ بلانگ کرتے ہیں؟ تو دیٹس ریئلی گڈ، بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی مسجد وجے واڑہ میں. میں پہلی دفعہ
मैं लास्ट टाइम आया था, पास हो गया था यहाँ से मछली बंदर जाते हुए, और आपकी मौका मिला आप सबकी ज़ियारत का, आप सब से मुलाकात का। मौला विजयवाड़ा के मोमिनीन को आबाद रखे इंशाअल्लाह। और मुझे एक और ख़ुशी हो रही कि यूथ काफ़ी है यहाँ पर। मैं पूछ रहा था आने से पहले कि विजयवाड़ा में यूथ कैसा है, तो कहा कि यूथ यहाँ का बहुत अच्छा है माशाल्लाह। डेट्स आई एम रियली हैप्पी के यूथ रहना मजलिसों में और मस्जिदों में, इसलिए कि वो फ्यूचर है हमारा। हमारा जनरेशन जो है वो हमारा यूथ है, लड़के और लड़कियां। अरब में आज भी हमारी पूरी ज़िंदगी अरब में गुजरी, आज भी अगर आप मस्जिदों में जाएं या जुमे की नमाज में जाएं वहाँ पे, तो जितने शिया अरबी हैं ना, तो इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते उंगली पकड़ के। अच्छा वो वेल ड्रेस होते, नहाते ड्रेसअप होके, इसलिए कि अल्लाह के सामने जा रहे तो ड्रेसअप होके जाना है ना। मॉल्स पे जाने से ड्रेसअप नहीं होना, मैं यूथ को बोल रहा। मॉल्स में जा रहे, अब इधर जा रहे उधर जा रहे, अभी आज एक मजलिस में मैं क्या क्या बोलूँगा, मुझे पता है कि काफ़ी लोग मुझे सुने हुए हैं यहाँ पे। तो बहरहाल इमाम बारगाह में मस्जिदों में जब आओ ना, मैं अपनी टॉपिक पे अभी आता हूँ, जब भी आओ ना तो अच्छे ड्रेसअप होके आओ। लेकिन ड्रेसअप जो है अल्लाह के लिए या इमाम के लिए होना है, किसी और के लिए नहीं। समझ रहे मेरी बात? मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा डोज नहीं देना चाहता, समझ रहे? तो मस्जिद में आओ, इमाम बारगाह में आओ, घर में भी अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, घर में भी नमाज पढ़। हुक्म क्या है? अच्छा ड्रेसअप हो, साफ लिबास पहनो, एक्सपेंसिव की ज़रूरत नहीं है, मिलियन डॉलर का ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है, साफ हो, हलाल पैसे का हो। मैं खाली एक जुमला बोल के चेक कर रहा था कि मजमा बेदार है नहीं है, समझ रहे हैं? हलाल पैसे का अगर मामूली लिबास भी हो ना, कॉटन का, वो बेहतर है $100,000 के लिबास से। अल्लाह के सामने जाना है तो हलाल पैसे का लिबास पहन के जाना है, इंटरेस्ट के पैसे का लिबास से नहीं चलता। तो हुक्म यह है कि जब औरत भी, लड़की भी, लड़का भी, अगर आप दुआओं को कबूल करवाना चाहते ना, इसलिए कि दोस्तों हम अल्लाह से कांटेक्ट में कैसे आएंगे, अल्लाह से बात कैसा करेंगे? नॉर्मल डे नॉर्मल उसमें तो बात कर सकते दुआ के जरिए आप, लेकिन अल्लाह से अगर कांटेक्ट करना चाहते ना, तो आप मुसल्ले पे आ जाओ, साफ लिबास पहनो, आधी रात कोई हाजत हो आपकी, कैसा भी आपका प्रॉब्लम। हुक्म क्या है? गुसल करो, नॉर्मल गुसल जो वाजिब गुसल है, नियत ये करो कि मैं गुसल करता हूँ, अपनी हाजत को अल्लाह के सामने मासूमीन के वसीले से, मौला के वसीले से पेश करने के लिए कुर्बतन ले लो। वाजिब गुसल करो, बस नियत ये करो, गुसल वाजिब की तरह करो, कोई लड़का लड़की औरत मर्द सब। उसके बाद सदका निकालो, सदक़े की ज़रूरत नहीं है कि आप 1,000 रुपये निकालो, एक रोटी निकालो, एक रोटी का टुकड़ा निकालो, 1 रुपया निकालो, 5 रुपये निकालो, मिसाल दे रहा हूँ, सदका निकाल के बाजू रखो। उसके बाद 2 रकत नमाज मुसल्ले पे चले जाओ, आधी रात के 2 रकत नमाज पढ़ो, नियत करो कि मैं दुआ नमाज पढ़ता हूँ, 2 रकत हाजत की अल्लाह के से कुर्बतन ले लो। नमाज के बाद तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ो, शहजादी की तस्बीह पढ़ने के बाद 18 मरतबा सलवात पढ़ो, और 18 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। अजीब सूरह है ये, वो सूरह है जो 114 सूरों में कुरान के सबसे फेवरेट सूरह मौला हुसैन का है, इमाम हुसैन का फेवरेट सूरह, पसंदीदा सूरह सूरह कुल है। वैसे हर सूरह मौला का पसंदीदा पूरा कुरान, इसलिए कि हुसैन खुद कुरान नातिक है, वह सामित है या नातिक है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, हाय 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 हाय
आप इधर आ जाओ। मौला हुसैन का फेवरेट सूरा सूरह खुलवल्ला है, फेवरेट सूरा, पसंदीदा सूरा। जैसे मैंने कहा ये मौला हुसैन तो कुरान नाते हैं, 18 मरतबा सूरह खुल पढ़ो, उसके बाद हाजत को पेश करो। अच्छा, आने से पहले मुसल्ले पे खुशबू लगा के भी आओ और दुआ करो। 3 दिन करो ये अमल खाली, विजयवाड़ा में तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाएगी, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। बीवी का वास्ता देना तस्बीह का, रिस्क के लिए मांगना है तो नवे इमाम का वास्ता देना, 9th इमाम का तकिए जवाद। परेशानियों से बचना है तो 7th इमाम का वास्ता देना। जुल्म कर रहा कोई बॉस या कोई भी आपके ऊपर जुल्म करे, मौला अली का वास्ता देना। बीमारी से बचना और शैतान के शर से बचना तो 4th इमाम का वास्ता देना। आखिरत के लिए दुआ करना कि हमारी आखिरत बखैर हो। हम तो समझ रहे हमारी आखिरत वॉक थ्रू है खाली, खबर में तो जाएंगे सीधा चले जाएंगे जन्नत में, गुनाह भी करेंगे, पिक्चर्स भी देखेंगे, म्यूज़िक भी सुनेंगे, बेपर्दा भी फिरेंगे, और फिर भी हमारी आखिरत सही है। मैं पहली मजलिस में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, एक ही मजलिस है, मछली बंदर में सुनना कल परसों। तो बहरहाल आखिरत के लिए दुआ करना है ना कि आखिरत बखर, वेरी इंपॉर्टेंट दुआ, यूथ को बोल रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कि दुनिया तो गुजर जाएगी दोस्तों 60-70 साल में, असल आखिरत को गुजरना है हमारा। ये दुनिया तो कैसा भी गुजर जाएगी, परेशान रहेंगे तो कोई मदद भी कर देगा, भूखे रहेंगे तो कोई रोटी भी दे देगा, लेकिन वहां पे कौन देने वाला है? वहां पे ना बेटा आगे मदद करेगा ना बेटी आगे मदद करेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दुआ है कि हमारी आखिरत बखैर, यानी आखिरत यानी मौत से लेके जन्नत तक, ये जो पीरियड है ना, ये हिस्से के लिए अल्लाह के रसूल का वास्ता दो, शहजादी कौनैन का वास्ता दो, इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये 4 मासूम का वास्ता देकर अल्लाह से कहो कि परवरदिगारा मेरी आखिरत तो बखैर करना, यानी आखिरत के लिए मैं कोई सौदा लेके जा सकूं, आखिरत के लिए मुझे परेशानियों से बच सकूं, आखिरत में मैं मुसीबतों से बच सकूं, आखिरत में जो तकलीफें आने वाली है उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर होकर अपने साथ वो सौदे को लेके जा सकूं कि जब मैं वहां पहुंचूं तो मेरी आखिरत बखैर हो, खातिमा ईमान पे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट दुआ है जो हर मोमिन को करना है। इसलिए कि आज मैंने जिस आयत से मैंने अपनी मजलिस का आगाज किया, मेरी 1 घंटे या 1.25 घंटे की ये मजलिस में मैं एक टोटल मैसेज देके विजयवाड़ा से जाना चाहता। मेरी टॉपिक है कि अली की निगाह में शिया को कैसा होना चाहिए, मौला अली का शिया होना कैसा चाहिए, या मौला अली का शिया को करना क्या चाहिए, या मौला अली का शिया, जो शिया हम शिया है ना, हम फखर है इस पे, वी आर प्राउड कि हम मौला अली के चाहने वाले, मौला अली के शिया हैं। अगर शिया बन जाए तो वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा ऑनर पैसा नहीं है, इख्तदार नहीं है, ताकत नहीं है, बड़ा घर नहीं है, सबसे बड़ी इज्जत अली का शिया बनना है। यू हैव टू बी प्राउड, यू हैव टू बी प्राउड कि यू आर शिया ऑफ मौला अली। लेकिन बनना कैसे? तो आखिरत के लिए दुआ करना है तो 4 मासूम का वास्ता दो। इल्म के लिए यूथ है मेरे सामने, स्टूडेंट्स के लिए कह रहा, अगर स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि बेहतरीन नंबर से पास हो, अच्छा रिजल्ट आए, तो 5वें इमाम और 6 इमाम का वास्ता देना इल्म के लिए, तो अल्लाह तुम्हारे इल्म में इजाफा भी करता है। लेकिन मेहनत करने के बाद दुआ करना, खाली घर बैठ के किताब बंद करके ये नहीं बोलना कि अल्लाह मुझे 5वें इमाम 6 इमाम का वास्ता पास कर दे। आपको भी कुछ करना है, पढ़ना भी है, इसलिए कि जहालतों से निकलना है। शिया जाहिल नहीं होता, अली वाला कभी जाहिल नहीं होता, अली वाला पढ़ा लिखा होता। मुझे बताया गया, मैं दोपहर में तो आया, मेरी फ्लाइट 1 बजे लेट भी आई आज, तो मुझे बताया गया कि माशाल्लाह यहाँ का यूथ जो है अच्छा पढ़ रहा भी। आई एम रियली हैप्पी। मैं तो चाहता था कि आपके साथ बैठूं, 1 घंटा काउंसलिंग करूं, यूथ के साथ बैठूं विजयवाड़ा की, कि आई जस्ट वांट टू सिट विद यू गाइस, के बैठ के बात करूं कि आखिर प्लान्स क्या हैं तुम्हारे, कि तुमको अपने नाम को रोशन करना है विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा में तुमको बताना है दुनिया को कि विजयवाड़ा का आम मुसलमान और है, तुम और हो।
अली वाला और है। तो बहरहाल इल्म के लिए ये चार मासूम का वास्ता दीजिए, शैतान से बचने के लिए, अब बीमारियों से बचने के लिए चौथे इमाम का वास्ता, आखिरत के लिए चार मासूम, पांचवें इमाम छठे इमाम का वास्ता देना इल्म के लिए, सातवें इमाम का वास्ता देना मुसीबतों से बचना है, अगर तुम्हारी तुम परेशानियों में घिर जाओ तो इस बाबुल हवाइज का वास्ता देकर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। अगर तुम ट्रैवल कर रहे सफर पे हो तो हमेशा आठवें इमाम का वास्ता दो, रिस्क के लिए नवें इमाम का वास्ता दो। इबादतों को करना है ज्यादा, इसलिए कि इबादत का शौक हमको रहता है लेकिन हम इबादत नहीं कर सकते। इस आपको पता है कि जो हमारा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा करीबी दोस्त है, विजयवाड़ा वालों का नहीं है, मैं एक आम बात कर रहा, आप समझ रहे कौन है वो दोस्त हमारा? अच्छा, वेरी गुड यार, यहाँ के लोग अवेयर है पूरे इस चीजों से। जो हमारा फ्रेंड है ना, जिसको हमसे आज की मजलिस के बाद उससे फ्रेंडशिप को ब्रेक करना है, आज की मजलिस के बाद फिर उसका उसको फ्रेंड बनाना नहीं है, जो कुछ अब तक फ्रेंडशिप की कर ली आज के बाद फ्रेंडशिप को ब्रेक कर दो, इससे ब्रेक करने में इज्जत है, इसलिए कि इससे इसके साथ ये इज्जत देने वाला नहीं है, इज्जत देने वाला वो है, तो ब्रेक करो इससे फ्रेंडशिप, इसको रखो ही मत, 1% भी फ्रेंडशिप मत रखो। तो अगर इससे बच के इबादत करना है तो 10वें इमाम और 11वें इमाम का वास्ता दो, इन दो मासूमीन का वास्ता देकर दुआ करो कि परवरदिगार मुझे इबादत का शौक पैदा हो, इसलिए कि ये जो मैंने सिफात बताई ये मोमिन की शिया ने अली की सिफात है, कि अली का शिया इबादत करता है, अली का शिया घर बैठ के सिर्फ काम नहीं करता बल्कि इबादत के साथ काम करता। ये सब चीज़ों के बाद आखिरी जो ज़माने के इमाम है उनसे जो दुआ मांगना ना, वो अगर तुम मुसीबतों में घिर जाओ, परेशानियों में घिर जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल की हदीस है जो मैंने पेश किया, आपने अपने इस हाथ को गर्दन पे रखा, रावी कहता है कि अल्लाह के रसूल ने गर्दन पे रखा, ऐसा रख के कहा अगर तुम्हारी गर्दन पे तलवार आ जाए, यानी मौत सेकेंड्स है मौत को तुम्हारे, उस वक्त भी अगर तुम मेरे बेटे जो कायम होगा उसको बुलाओगे तो वो उसी वक्त आके मदद करेगा, समझ रहे आप? तो ये तो मैं बात, ये तो बीच में बात आ गई जो मैंने बता दिया, खद अफलहुल मोमिनून से मैंने मजलिस का आगाज किया। इयर्स बिफोर पहले ये आयत पढ़ी गई, किसने पढ़ी? नातिखे कुरान ने। जब मेरा मौला खाने काबा में आया, मैं वाकया पूरा नहीं पढ़ता आपके सामने, और जब मौला आए और रसूल के हाथों पर अली आए, जैसे ही रसूल के हाथों पर आए उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा या अली कुछ पढ़ के सुनाओ, बहुत दिन हो गए यार सुना ही नहीं तुम्हारी आवाज़। तो मौला ने तौरात तो इंजील और ज़बूर पढ़ के कुरान मजीद की, ये सूरह मोमिनून की आयत है, आयत का जुज़ है, कुरान मजीद का सूरा सूरह मोमिनून उसकी पहली आयत का जुज़ मौला ने पढ़ा, पहली मरतबा जो आयत पढ़ी गई खद अफलहुल मोमिनून, के आज मोमिन फला पा गया, इसलिए फला पाया कि अमीरुल मोमिनीन आ गया। मौला ने पहली मर्तबा जो पढ़ा था कुरान आने से पहले ये आयत पढ़ी कि मोमिन फला पा गया, नहीं मोमिन नजात पा गया, मोमिन को उसका डेस्टिनेशन उसका मकाम मिल गया, मोमिन तो मिल गया और हम अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले। ये अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले कैसे होते, इसकी एक पूरी लिस्ट है दोस्तों कि अली का चाहने वाले को करना क्या चाहिए। हम विजयवाड़ा में करें क्या, क्या करें विजयवाड़ा में, अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारें, नमाज पढ़ लें, रोजा रख लें, अपनी फैमिली को देख लें, बस इतना ये हमारा मकसद है कि मैं और मेरी बीवी मेरे बच्चे, मैं मेरा घर, मैं मेरी जॉब, मैं मेरा बिजनेस, ये सिर्फ मैं, ये एक शिया को रहना है। प्लीज मैं कई क्वेश्चंस कर रहा हूं इसके ऊपर, कई सवाल, एक सवाल पे 10 सवाल हो रहे हैं कि हमको करना क्या विजयवाड़ा में, अपनी जॉब अपना घर देखना, मस्जिद में आए सर झुका के आए, मौलाना के पीछे 2 रकम नमाज पढ़ी मगरिब इशा, सर झुका के चले गए, अपने आप को देख रहे, अपनी बीवी को देख रहे, अपने बच्चों को देख रहे, मैं और मेरा बिजनेस है मैं काफी हूं, यह है मोमिन की पहचान, या मैं मेरा एजुकेशन ये काफ़ी है, कोई बड़े प्रोफेशनल कोर्स करा हुआ, मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई फाइनेंशियल कंट्रोलर है, ये सब जो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर है, तो उनका मकसद क्या है, वो जाए और आ जाए खाली, ये है शिया, ये शिया अली को पसंद है,
मी, प्लीज गौर से सुनना, मी एंड माई फैमिली, मैं मेरी फैमिली, ये तसव्वुर वेस्ट का है, ये तसव्वुर यहूदियत और ईसाइयत का है कि मैं मेरी बीवी बच्चे, मैं मेरा बिजनेस, मैं मेरा कारोबार, मैं मेरा घर, नो, मैं मेरी इबादत, नो, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम बोलता है कि तुम्हारा फर्ज है कि तुम पूरे माशरे को देखो, सबकी फिक्र करो, खानदान की फिक्र करो, दोस्तों की फिक्र करो। उसकी नमाज कबूल नहीं है मस्जिद में कि सर झुका के आए और आके नमाज पढ़े और सर झुका के चले जाए। जब तक मोमिन से हाथ ना मिलाए, अली मौला, अली मौला।